तो हम अपने पत्रकार भाई बंधुओं से उम्मीद करते हैं कि वो जनता तक खबरों को बिना घुमाए, मिस इंटरप्रेट किए, बिना उसे तोड़ मरोड़ कर पहुंचाए। हम उम्मीद करते हैं कि पत्रकार अनबायस तरीके से यानी कि निष्पक्ष रूप से जनता तक खबरों को पहुंचाए। पर हमारी इन उम्मीदों पर कुछ पत्रकार खरे उतरे ऐसा होता कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसे ही एक पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई, जो कि आए दिन सभी जर्नलिस्टिक एथिक्स को ताक पर रखकर खबरों को एक अलग ही तरह से पेश करने के लिए मशहूर हैं। तो कल महाराष्ट्र में जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, हिंदू आतंकवाद का झूठ फैलाने का पाप कांग्रेस ने किया है। अगर कोई भी प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनेगा तो ऐसा कहीं नहीं लगेगा कि वो हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हो। इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। हजारों साल का इतिहास, हिंदू कभी आतंकवाद करे ऐसी एक भी घटना है क्या? एक भी घटना है क्या? अरे अंग्रेज जैसे इतिहासकारों ने भी कभी हिंदू हिंसक हो सकता है इस बात का जिक्र तक नहीं किया है। हमारी 5000 से ज्यादा साल पुरानी हमारी संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किसने किया? हिंदू आतंकवाद शब्द कौन लाया? हिंदुओं को आतंकवादी कहने का पाप किसने किया? भाइयों बहनों, ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? उन्होंने बस कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कि जनता के बीच हिंदू आतंकवाद का फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है, जो वो झूठी खबरें फैलाने की कोशिश करती है, वो निंदनीय है। और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीधे कह दिया कि वो जनता को ना बरगलाए। लेकिन ये बात राजदीप जी को पची नहीं और उन्होंने एक अलग ही तरीके से अपनी दिमाग की उपज से कुछ और ही लिख करके ट्वीट कर दिया। ये रही राजदीप जी की ट्वीट। उन्होंने अपने आप से ही इस बात को मान लिया कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति को हवा दे रहे हैं। वो कहने लग गए कि पीएम मोदी हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। राजदीप जी ने जो किया उसे हम कहते हैं मिस इंटरप्रिटेशन, यानी कि किसी भी चीज़ को गलत रूप से जनता के बीच रखना, यानी कि वो खुद ब खुद हिंदू मुस्लिम विवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारा का सारा ठीकरा प्रधानमंत्री मोदी पर फोड़ना चाह रहे हैं। राजदीप जी, आपको क्या लगता है कि ऐसा करके आप जनता को मूर्ख बना लेंगे? आपको क्या लगता है कि ऐसा करके आप जनता को गुमराह कर लेंगे? सरदेसाई साहब, आपको तब क्यों सांप सूंघ जाता है जब सोनिया गांधी एक विशिष्ट समुदाय के लोगों से मिलकर ये कहती है कि वो भाजपा को नहीं कांग्रेस पार्टी को वोट करे? आपको तब क्यों सांप सूंघ जाता है जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और कमलनाथ खुल करके एक बैठक में एक विशेष समुदाय के लोगों से कह रहे थे कि हमें 90% वोट आपसे क्यों नहीं आए? तब आपकी पत्रकारिता कहाँ चली जाती है? राजदीप जी, अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जिन लोगों को हिंदू आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तार किया था, जैसे स्वामी असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, उन सभी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। और वैसे आपकी पत्रकारिता को देख करके लगता है कि आप पत्रकार कम और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा हैं। अगर ऐसा है तो कृपा करके जाग जाइए, आप एक पत्रकार हैं। आपका काम है अनबायस यानी कि निष्पक्ष रूप से रिपोर्टिंग करना। आपको ये चीज समझनी चाहिए कि चुनावी मौसम में आपकी एक गलत रिपोर्टिंग जनता के बीच कितना तनाव पैदा कर सकती है।